मैं अपनी राय आपको बताना चाहता हूं कि महाविकास अघाड़ी की सरकार को कोई भी खतरा नहीं। तीन पार्टियों की सरकार है, उसमें कोई भी सारे सारा नेतृत्व हिंदू लोगों के पास है, जिसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, जिनके पिताजी ने पिताजी को हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता है। इसलिए प्रतीकों के रूप में भी अब नवनीत राणा और राणा ये निर्दलीय हैं। आपने बोला उनके पति और नवनीत राणा वो निर्दलीय विधायक और सांसद हैं। दूसरा राज ठाकरे मनसे के अध्यक्ष, अचानक ये दोनों लोग उठकर क्यों खड़े? तो और आपने बोला कि आपका टाइटल आजकल मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं बनारस वाले जो हमारे मित्र हैं पाठक जी, मैं उनको सादर समर्पित करता हूँ आज का टाइटल कि वो जैसे मट्टी होती है ना, मट्टी का शरीर होता है ना, वो अंत में मिट्टी में ही मिल जाता, नश्वर देह होता। उसी तरीके से सूरदास ने बोला है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पायो, और जैसे उड़ जहाज का पंछी पुनि जहाज पे आ, तो पुनि जैसे उड़ जहाज। अब आपने आपका टाइटल है कि प्रधानमंत्री आवास तक हनुमान चालीसा की आँच पहुंची, तो एक्चुअली वहीं से तो शुरू हुई थी। तो जैसे उड़ जहाज का पंछी पुनि जहाज पे, प्रधानमंत्री आवास से है ये नौटंकी शुरू हुई और प्रधानमंत्री आवास तक ही पहुंच गई, ये तो सर्किल है। तो इसमें कोई बड़ा ताजुब की बात नहीं है, यहाँ पर किसी सरकार को कोई खतरा नहीं है। एक बड़ा आ, आ, बड़ा शर्मनाक बात हो रही है, बहुत ही शर्मनाक बात हो रही है कि मुझे नहीं लगता है कि पाठक जी या शिवम जी या मैं हूँ, जो तीन लोग हिंदू हैं, हम तीनों के घरों में एक छोटा सा मंदिर होता है। मैंने भी देखे, मैं कानपुर में जन्मा हूँ, मेरे गांव में देखा, मैंने मैंने बहुत सारे शहरों को विजिट किया है। जिस भी हिंदू के घर में मैं गया हूँ, उनके घर में बड़ा छोटा सा कोने में किसी एक अलमारी में मंदिर जरूर होता है, जिसमें दो चार फोटो लगी होती हैं। मेरे घर में भी कानपुर में था, जहाँ बुजुर्गों लोगों द्वारा छोटी छोटी मूर्तियां लाई। आज ये बात करनी जरूरी है, इसलिए मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ कि हर हिंदू के घर में एक छोटा सा एक मंदिर होता है, और वो वहाँ बैठ के अपनी पूजा स्तुति प्रार्थना आराधना व्रत शुरू करना, व्रत तोड़ना, जन्माष्टमी का खीरा काटना, या ये तमाम चीजें, उस मंदिर को हम ईश्वर का प्रतीक मान के चलते हैं। अब मोहन भागवत के तो कोई घर ही नहीं है, तो उनके घर मंदिर भी नहीं है। जिनके घर है उन्हीं के घर में तो मंदिर होगा। नरेंद्र मोदी का कौन सा घर है? नरेंद्र मोदी का भी कोई घर नहीं है, तो उनके घर का मंदिर कहाँ है? वो आपका जो योगी जी हैं, वो उनका भी कोई घर नहीं है। तो जब घर ही नहीं है, तो जिन हिंदुओं के घर नहीं है, उनके उनको घर के अंदर के मंदिर का कोई भी मतलब नहीं समझ में आता है। तो इस देश में जो 98 करोड़ से अधिक हिंदू हैं, जिनके घरों में छोट उनकी आस्था के प्रतीक मंदिर हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ये सिद्ध करने पर लगे हैं कि आपके घरों में जो 98 करोड़ हिंदू लोग, आपके घरों का जो मंदिर है वो फर्जी मंदिर है, असली मंदिर वहां नहीं है। आप वहां हनुमान चालीसा मत पढ़िए, वहां सुंदरकांड मत पढ़िए, आपका घर घर का मंदिर बेकार है। आप उठिए और किसी मस्जिद के सामने जाकर आप हनुमान चालीसा पढ़िए। तुम तो वेदों को भी झुठला रहे हो यार, तुम लोग कुछ तो अकल करो। हमारा हिंदुत्व हिंदुत्व पर आधारित है, हमारे वेद पुराणों पर आधारित है, हमारे उपनिषदों पर आधारित है। हमारा आप क्यों मुझे बात कर रहे हैं कि हम हनुमान चालीसा जाकर मस्जिद के आगे पढ़ें? आपने क्या क्या भारत बनाने की कोशिश की? आपने क्या हिंदुत्व बनाने की कोशिश की? तो ये जो 98 करोड़ लोगों के घरों के मंदिर को ये अप्रत्यक्ष रूप से महत्व ना अमहत्वहीन सिद्ध कर रहे हैं, तो वहीं जाकर ये और आपने अभी बिल्कुल सही बोला। देखिए कि मैं मोदी जी के जो आप प्रधानमंत्री घर पे पहुंच गया है हनुमान चालीसा, तो प्रधानमंत्री के घर पे पहुंचना ही था। प्रधानमंत्री का ये बड़ा पसंदीदा गेम है,
सेफ गेम है उनका, एक तो पसंदीदा हॉबी है उनकी, और उनको तो मिल गया ना मुद्दा, उनको हिंदुत्व नहीं चाहिए, उनको हिंदुओं का उन्माद चाहिए। मैं मुझे कहने दीजिए थोड़ा कि जी इनको, इन्होंने नरेंद्र मोदी कितने बड़े हिंदू हैं कि 7 फेरे ली गई पत्नी को घर पे नहीं रखा, ये इतने बड़े हिंदू हैं कि राम मंदिर इन्होंने 2014 के चुनाव का जब नामांकन किया तब देखा जाकर, ये कितने बड़े हिंदू हैं कि इन्होंने हमेशा रहे तो राम की, अडवाणी की राम रथ यात्रा में, लेकिन जब अरेस्ट किया लालू प्रसाद यादव ने तब मोदी जी गायब हो गए। मोदी जी, आप हिंदुत्व के लिए अरेस्ट के बलिदान क्यों नहीं देते हैं? आप फर्जी बातें क्यों करते हैं हिंदुत्व के लिए? मोहन भागवत, फर्जी बातें क्यों करते हो? अगर तुम्हारा आरएसएस का हिंदुत्व का केंद्र है तो वहां पर आप रतन टाटा को बुलाकर चंदा मांगते हो, क्या करते हो? एक पारसी को क्यों बुलाते हो? आप क्या क्या आप सिद्ध करना चाहते हो? तो ये वो लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने हिंदुत्व को नए उपमानों से सिद्ध करने की कोशिश की। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इन्होंने, आपने जो बोला कि 2024 का चुनाव है तो ये खाली रणनीति उसी की है, लेकिन जीवन में एक बात हमको भी मालूम है और हमें दूसरे लोगों ने भी बताया है कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया है, और कभी न कभी भेड़िया आ ही जाता है, और भेड़िया शिवम आना शुरू हो गया है। सौरभ शर्मा को देख लो, तुम लोगों ने न्यूज 18 के माध्यम से उग्र हिंदुत्व को फैलाने की कोशिश की, उसी उग्र हिंदुत्व ने न्यूज 18 के के पत्रकार सौरभ शर्मा को तोड़ाया, उसी उसी उग्र हिंदुत्व ने अंकिता शर्मा जो उनकी पत्नी है उनका जी हरण करने की कोशिश की, उसी उसी उग्र हिंदुत्व ने जो है अभी आपका ये जो अरोड़ा है, अमन अरोड़ा, उस पे देशद्रोह का केस लगवाया। तुम लोग झूठ बोलते हो, झूठ बोल के कौन, झूठ पर आधारित हिंदू तो मत परोसो भाई, यहाँ 98 करोड़ हिंदू हैं, 2-2.5-3 करोड़ तुम्हारे वो जो हैं पंटर हैं आरएसएस वाले, जो जिनको जिन देखो, हम अपने घर में सत्यनारायण की कथा करें कि मस्जिद में करें जाके, कौन सा हिंदुत्व तो है? हम अपने घर में भगवा लगाएं, हमारे जन्माष्टमी हमारे घर में भगवा लगता है, हम लोग भगवा वस्त्र पहन के दिवाली का पूजन करते हैं, लेकिन तुम अपना भगवा मस्जिद में जाके लगाते हो, तो तुम हिंदुत्व को इस्लामिक हिंदुत्व बनाना चाहते हो। एक्चुअली मैं अपनी बात को बढ़ाना आगे चाहता हूं, लेकिन माननीय दो मित्र और हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।